सब गाइस, दिस इज सैंड हियर एंड यू आर वाचिंग टेक एस बी। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं गाइस सैमसंग की तरफ से आने वाला M31S की। तो गाइस, ये फ़ोन जो है मैंने अमेजोन से परचेस किया था। तो गाइस, इस मेरे साथ एक स्कैम भी होता है, तो वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस, बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधे अनबॉक्सिंग के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले आप अनबॉक्सिंग देखिए, उसके बाद में मेरे साथ हुआ जो स्कैम वो बता देता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, ये हमने और मैंने हालांकि इसको अनबॉक्स कर दिया है, लेकिन मैंने वापस से इसको पहले जैसा ही पैक कर दिया। तो गाइज़, ये रहा हमारा जो है डिवाइस, जो कि यहाँ पर मैंने ब्लू कलर में ऑर्डर किया था, तो एकदम यहाँ पर बढ़िया लगा। जो गाइज़, यहाँ पर मेरे को इसका कलर जो है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्लास बैक जो है इसमें के अंदर यूज़ हुआ है। तो गाइज़, अभी हम अपने डिवाइस को कर देते हैं साइड में, और गाइज़ हमारे बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है गाइज़, ये यहाँ पर सैमसंग की तरफ से आने वाला गाइज़ सुपर फास्ट चार्जर, जो कि हमें यहाँ पर 25 वोल्ट्स का देखने को मिल जाता है। और ये चार्जर जो गाइज़ है टाइप सी टू टाइप सी केबल को यहाँ पर सपोर्ट करता है। और इसी के साथ में गाइज़, हमें बॉक्स के अंदर यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं टाइप सी टू टाइप सी केबल हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है गाइज़। तो गाइज़, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं टाइप सी टू टाइप सी केबल हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो गाइज़, अभी इसको कर देते हैं साइड के अंदर, और यहाँ पर अभी हम देखते हैं इस लीड के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाता है। तो गाइज़, यहाँ पर ऊपर से हमें एक लीड देखने को मिल जाती है, और गाइज़ यहाँ पर हमारी यहाँ पर ये सिम इजेक्शन पील भी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। तो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले अभी हम करते हैं इसको ओपन, एक मिनट कहाँ से ओपन होगा। हाँ, तो गाइज़ यहाँ पर इसके अंदर हमें कुछ नहीं, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, और गाइज़ हमारे इसके साथ एक भी यहाँ पर केस वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने इसको अनबॉक्सिंग करके इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड भी यहाँ पर लगा दिया था गाइज़। यहाँ पर जैसे ही अमेजोन से यहाँ पर मेरे को पार्सल रिसीव हुआ, तो यहाँ पर सिंपली से मैंने उसको वापस से पहले जैसा पैक कर दिया। तो गाइज़, अभी हम सिंपली से इसकी यहाँ पर इस रैप को हटा देते हैं। और गाइज़, यहाँ पर जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये रहा गाइज़ हमारा डिवाइस। और जैसे कि मैंने बोला गाइज़, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर स्क्रीन गार्ड भी यहाँ पर लगा रखा है, ताकि यहाँ पर हमारा डिवाइस जो है सेफ रहे। तो गाइज़, यहाँ पर सिंपली से हम इसको सबसे पहले बूट अप कर लेते हैं गाइज़। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, हमने बूट अप करते हैं, यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M31S यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, जो कि यहाँ पर एक एंड्रॉयड डिवाइस है, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। और गाइज़, इसके ऊपर से हम यहाँ पर ये लेबल भी को भी हटा देते हैं गाइज़, एक मिनट। तो गाइज़, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, आप यहाँ पर वीडियो के अंदर देख नहीं सकते, लेकिन एक्चुअल में ये कलर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा। और गाइज़, अगर हम बात करें इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर के, तो यहाँ पर ये आपको साइड के अंदर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर पावर बटन के साथ में ही। और गाइज़, यहाँ पर मैंने इस फ़ोन को पहले ही अनबॉक्सिंग करके फुल सेटअप कर लिया था। तो गाइज़, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक फ़नी सा वॉलपेपर लगा रखा है, जो कि यहाँ पर एक मिनियंस का वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे कि हमारा यहाँ पर ये जो कैमरा है पंच होल डिस्प्ले वाला, वो हमारा हाइड हो जाएगा। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कैमरा है ही नहीं। तो गाइज़, यहाँ पर जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये मुझे सैमसंग की यही सबसे बढ़िया बात लगती है गाइज़, यहाँ पर इसका वन UI है, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लीन और मिनिमलिस्टिक है, आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सैंडी फ्रॉम टेक SB, एंड आई मिस यू गाइज़ इन द नेक्स्ट फोन।